मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी मैडम। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती है, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी मैडम। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है, तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती है, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का